वेलकम बैक टू आर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात के साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 16 इनका से नूर इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 16 इनका से नूर सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज से पुर कीजिए। उसका अलिफ है मुस्तवी आईने में नुक्ते वक़ू पर उमूदी खत को खाली जगह कहते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा अमाद। बे है लकड़ी की सतह से होने वाले नूर का इनेकास खाली जगह इनेकास होता है, तो इसका जवाब है गैर मुनज़्ज़म। और जीम है मंजरबीन का काम खाली जगह खासियत पर मबनी होता है, तो इसका जवाब लिखना होगा इनेकास नूर। अब सवाल नंबर 2 है, शक्ल बनाइए। इनेकास सतह से दो आईने एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाते हैं। एक आईने पर शुआ वको 30 दर्जे का जाविया वको बनाती हो तब उसका दूसरे आईने के साथ होने वाले इनेकास की मुनक्सा शुआ बनाइए। जाविया मुनक्सा की पैमाइश क्या होगी ये भी हमें लिखना होगा। ये जो अगला हिस्सा है सवाल का ये हमारी दसवीं किताब में नहीं है, लेकिन ये हमें लिखना होगा क्योंकि बाकी किताबों में इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम की बुक्स में सवाल का अगला हिस्सा भी लिखा हुआ है, इसलिए हमें लिखना होगा। तो इसका जवाब है, तो हमें जो शक्ल बनानी है वो शक्ल यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। यहाँ पर दो आईने दिखाए हुए हैं, आईना M1 और आईना M2, और ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 दर्जे का जाविया बना रहे हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है M1 आईने पर जो उमूद है वो N1 है और M2 आईने पर जो उमूद है वो N2 है। तो इस तरह से शुआ A वो M1 पर पड़ने वाली शुआ वको है और B जो है वो M1 से मुनक्स होने वाली शुआ मुनक्सा और M2 के लिए शुआ वको है और C वाली जो शुआ है वो आईना M2 के लिए शुआ मुनक्सा है। आईना M1 पर शुआ वको 30 दर्जे का जाविया वको बना रही है और दूसरे आईने के साथ उसका जो जाविया मुनक्सा है उसकी पैमाइश 60 दर्जे है, तो इसका जवाब हमें लिखना होगा शुआ C के लिए जाविया मुनक्सा की पैमाइश 60 दर्जे होगी। तो इस तरह से ये शक्ल बनाकर और इसका जवाब लिखकर हमें सवाल नंबर 2 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, अंधेरे कमरे में हम अशिया को वाज़ह तौर पर नहीं देख सकते, वजह के साथ इस जुमले की वजाहत किस तरह करेंगे, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा अंधेरे कमरे में अशिया पर नूर की शुआएं नहीं पड़ती हैं इसलिए हमारी आंखों में नूर की शुआएं दाखिल नहीं होती, इसलिए आंखों में बीनाई का एहसास पैदा नहीं होता, इसलिए हम अशिया को वाज़ह तौर पर देख नहीं सकते, तो इस तरह इसका जवाब हमें लिखना होगा। अब सवाल नंबर 4 है, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म इनेकास के दरमियान फ़र्क वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर दो कॉलम बनाकर लिखा हुआ है, मुनज़्ज़म इनेकास और गैर मुनज़्ज़म इनेकास का फ़र्क यहाँ पर दिखाया हुआ है। मुनज़्ज़म इनेकास का पहला पॉइंट है, हमवार और चिकनी सतह पर होने वाले नूर के इनेकास को मुनज़्ज़म इनेकास कहते हैं। और गैर मुनज़्ज़म इनेकास का पहला पॉइंट लिखना होगा, गैर हमवार और खुरदरी सतह पर होने वाले नूर के इनेकास को गैर मुनज़्ज़म इनेकास कहते हैं। नंबर 2 है, मुनज़्ज़म इनेकास में सतह पर पड़ने वाली मुतवाज़ी शुआ वक़ू के ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनक्सा मसावी होते हैं। अब गैर मुनज़्ज़म इनेकास का दूसरा पॉइंट है, गैर मुनज़्ज़म इनेकास में गैर हमवार सतह पर वक़ू होने वाली मुतवाज़ी शुआओं के ज़ाविया वक़ू यकसा पैमाइश के नहीं होते और इसीलिए इनके ज़ाविया मुनक्सा भी मसावी पैमाइश के नहीं होते। मुनज़्ज़म इनेकास का तीसरा पॉइंट है, मुनक्सा शुआएं भी एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं। और गैर मुनज़्ज़म इनेकास का तीसरा पॉइंट है, यहाँ मुनक्सा शुआएं एक दूसरे की मुतवाजी नहीं होती, वो एक वसी सतह पर बिखरी हुई हालत में होती हैं। तो इस तरह हमें दोनों का फ़र्क लिखना होगा। अब सवाल नंबर 5 है, ज़ेल के इस्तलाहात वाजे करने वाली शक्लें बनाकर वजाहत कीजिए। शुआ वक़ू, शुआ मुनक्सा, उमूद, नुक्ते वक़ू, ज़ावे वक़ू और ज़ावे मुनक्सा,
इन सब को जाहिर करने वाले एक शक्ल हमें बनानी होगी जिसमें ये सारे सलाहत वाजे तौर पर नजर आएंगी। ये जो शक्ल है ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में बनानी होगी और इसमें ये सारे असलाहत वाजे तौर पर हमें नज़र आ रही हैं। शुआ वको हैं, शुआ मुनक्सा हैं, यहाँ पर अमाद या उमूद भी हैं, नुक्ते वको भी हैं, जाविय वको भी हैं और जाविय मुनक्सा भी हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये शक्ल आप लोगों को सवाल नंबर 5 की बनानी होगी। अब सवाल नंबर 6 है, ज़ेल की हालतों का मुतालिया कीजिए। सोफिया और अब्दुल वहाब पानी से भरे बर्तन में देख रहे थे, साकिन पानी में उनके अक्स वाज़ह नज़र आ रहे थे। इसी असना में अब्दुल वहाब ने पानी में पत्थर फेंक दिया जिसकी वजह से उनके अक्स गायब हो गए। सोफिया को अक्स के गायब होने की वजह समझ में नहीं आई। ज़ेल के सवालों के जवाब के ज़रिए अक्स के गायब होने की वजह सोफिया को समझाइए। तो इसका पहला सवाल है अलिफ, क्या नूर के इनेकास और अक्स के गायब होने में कोई ताल्लुक है? तो इसका जवाब लिखना होगा जी हाँ, नूर के इनेकास और अक्स के गायब होने में ताल्लुक है। अब उसी का बे है, इसमें नूर के किस किस्म के इनेकास का ख्याल उसके जहन में आ रहा है, इसे वाजह करके बताइए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, जब पानी साकिन होता है तो उसकी सतह हमवार होती है और उसकी सतह से मुनज़्ज़म इनेकास होता है। पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर दायरवी लहरें पैदा होती हैं जिनकी वजह से पानी की सतह गैर हमवार बन जाती है। इस गैर हमवार सतह से नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास होता है। साकिन पानी हमवार सतह की तरह जबकि गैर साकिन पानी एक गैर हमवार सतह की तरह बर्ताव करता है। अब उसी का जीम है, क्या नूर के इनेकास के कस्मों में इनेकास के कवानीन पर अमल होता है? तो इसका जवाब लिखना होगा जी हाँ, नूर के इनेकास की दोनों कस्मों में इनेकास नूर के कवानीन पर अमल होता है। सवाल नंबर 7 है, मिसालें हल कीजिए। उसका अलिफ है, मुस्तवी आईना और शुआ वको के दरमियान 40 दर्जे का जाविया है, तो जाविय वको और जाविय मुनक्सा की पैमाइश मालूम कीजिए। इसका जो हल है वो इस तरह होगा, मुस्तवी आईना और शुआ वको के दरमियान 40 दर्जे पैमाइश का जाविया है, इसलिए शुआ वको और आईने के उमूद के दरमियान बनने वाले जाविय वको जिसे हम आय से जाहिर करते हैं तो उसकी पैमाइश 90 तफरीक 40 करना होगा हमें, क्योंकि उमूद जो होता है वो 90 दर्जे का होता है और 40 दर्जे में पैमाइश दी गई है, तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50 दर्जे का जाविय वको होगा। और हमें पता है कि जाविय वको और जाविय मुनक्सा की पैमाइश मसावी होती है, जाविय मुनक्सा को हम आर से जाहिर करते हैं तो इसलिए आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 50 होगी, यानी इसका जो जवाब होगा वो 50 दर्जे होगा। तो इस तरह से आप लोगों को ये हल करना होगा। अब अगला सवाल है बे, आईना और शुआ निकास के दरमियान जाविया 23 दर्जा है, तो शुआ वको का जाविया वको कितना होगा? तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा कि आईना और शुआ निकास के दरमियान 23 दर्जा जाविया है, तो इसलिए जाविया मुनक्सा जिसे हम आर से जाहिर करते हैं वो शुआ मुनक्सा का आईने के उमूद के बराबर है, तो इसलिए उसके साथ बनने वाला जो जाविया है वो 90 दर्जे में से फिर हमें 23 दर्जे माइनस करना होगा और इसका जो जवाब होगा वो 67 दर्जे होगा। जाविय वको और जाविय मुनक्सा एक दूसरे के मसावी होते हैं तो इसलिए इसका जवाब जो है वो 67 दर्जे होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।